हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस वक्त हम हैं भोपाल में और भोपाल हम आए थे एम पी प्लस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारा एम पी प्लस का एग्ज़ाम तो हो गया है, हम निकल रहे हैं हमारे गांव की। तो अभी जाएंगे हम रानी कमलावती स्टेशन। तो गाइस, हम लोगों ने सिटी बस पकड़ ली है और इसी सिटी बस से हम जाएंगे रानी कमलावती स्टेशन की ओर। तो दिखाएंगे वहाँ का सीन, वहाँ का सुंदर व्यू। तो चलते हैं रानी कमलावती स्टेशन। तो भाई, हम लोग आ गए हैं रानी कमलावती स्टेशन। इस वक्त हम खड़े हैं रानी कमलावती स्टेशन पर और आप बाहर से व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है आसपास का। मैं बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा इसकी रानी कमलावती स्टेशन का किस प्रकार का व्यू है। और ये मेरा दोस्त मनीष। और ये देखिए गाइस, रानी कमलावती स्टेशन पे एक तिरंगा लहराती हुई, कितना अच्छा दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और गाइस, ये मेन गेट का व्यू है रानी कमलावती स्टेशन का। आप अंदर का व्यू देख ही सकते हो कि किस प्रकार का अंदर का व्यू देख। स्टेशन के अंदर ये पेंटिंग वगैरह लगी हैं, अभी ये गाइस बोर्ड लगे हैं, तो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है स्टेशन के अंदर। और गाइस, हम चढ़ चुके हैं एस्केलेटर के ऊपर और ये सुविधा इस स्टेशन पे दी गई है उतरने चढ़ने के लिए, इसमें लोगों को परेशानी नहीं होती। और हर प्लेटफॉर्म पर उतरने चढ़ने की ये सुविधा दी है एस्केलेटर की, और लिफ्ट भी कुछ दिनों में चालू हो जाएंगी गाइस। और गाइस, ऊपर हम आ चुके हैं स्टेशन के और ऊपर देखिए गाइस, बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ का, जैसा कि गाइस आप देख ही सकते हैं। ये देखिए गाइस, पूरे आसपास का व्यू। गाइस, अभी हम हैं टॉप फ्लोर पर और टॉप फ्लोर पर बच्चों की सुविधा है खेलने की, मिक्की माउस ट्रेन जैसी चीज़ें हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। और हम अभी जा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 5-6 पर। प्लेटफार्म नंबर 5-6 पर हमारी ट्रेन रहेगी। तो चलते हैं गाइस, और हमारी जस्ट ट्रेन आने वाली है 15-20 मिनट में। और गाइस, हम प्लेटफार्म नंबर 5-6 पे आ गए हैं और 5-6 का सीन कुछ इस प्रकार दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है जनशताब्दी, इसी ट्रेन में हम सफ़र करेंगे पिपरिया तक का। और देखिए गाइस कि यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और बहुत ही क्लीन और नीट स्टेशन है ये। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं हमारे घर पर और जो हमारी मोबाइल की बैटरी थी वह 7-8% बची थी, तो इसी कारण ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।